सेकंड लेसन पे हम आ गए हैं और सेकंड लेसन है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड से मुराद क्या ली जाती है कि साइंसी तरीक़ेकार जो हैं, यानी कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक थेरीज और जो भी साइंस ने हमें चीज़ें प्रोवाइड की हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, साइंटिफिक मेथड के अंदर सारा कुछ आ जाता है। जिस तरह अभी हम जो क्लास ये पढ़ रहे हैं ये सारा साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, जिसके जरिए हम ये कर रहे हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड है, वो क्या है कि क्लास में आप खड़े हो जाएं और बोर्ड के ऊपर लिखते रहें और स्टूडेंट्स जो हैं वो समझते रहें, ठीक है। और दूसरा मेथड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजी वाला मेथड है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड इसे आप कह सकते हैं। तो इस लेसन के अंदर ये बताता है कि साइंस के तरीके इस्तेमाल करके या साइंस साइंटिफिक प्रोसेसेस को इस्तेमाल करके यूटिलाइज करके इंसान ने क्या क्या फ़ायदे उठाए हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर ये दो लोगों ने लिखा है, डेविड बर्नर्ड एंड लियोन एडवर्ड्स, ठीक है, लियोन एडवर्ड्स। तो ये दोनों साइंटिफिक राइटर्स हैं जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, ठीक है। अब ये ऐसे तो काफ़ी पुराना है, ठीक है, बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि आपने किस तरह एक आइडिया ये मिल जाएगा कि किस तरह आपने इसको करना है। पुराने ज़माने में किस तरह साइंस जो है ना, उससे पहले क्या चीज़ें चल रही थी, साइंस के कितने प्रॉब्लम्स थे साइंस ने जो आके हल किए, ठीक है, यानी कि बहुत प्रॉब्लम्स थे साइंस ने उनको हल किया। और ये बात कर रहा है कोई पिछली सदी की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये आप इसी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछली सदी में क्या हालात थे, और उसके बाद जो आज कल अगर लिखा जाए तो उसके फैक्ट्स आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 90s के अंदर जब ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई और इंटरनेट वगैरह सारा कुछ आया दुनिया में फैला, उसके बाद से लेके अब तक समझ लें आपके डेली बेसिस पर कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो आ रही होती है, नई ऐप होती है, कोई ना कोई नया सॉफ्टवेयर होता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिस तरह यूटिलाइज होती जा रही हैं और इंसान उनको इस्तेमाल करते जा रहे हैं, फ़ायदा उठाते जा रहे हैं, ठीक है। साइंस का पर्पज़ क्या है कि ये चीज़ें क्यों इस्तेमाल करें? साइंस का पर्पज़ ये है कि इंसान की ज़िंदगी जो है उसका लेवल बढ़ा देता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो लग्जरी है थोड़ी सी आ जाए, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए, और ज़िंदगी के अंदर जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वो प्रॉब्लम्स कम हो जाए, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स नेचुरल भी हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, और वो प्रॉब्लम्स आप कई किस्म के यानी कि इशूज़ जो हैं जो हम फील करते हैं, आप भी फील करते हैं, पोल्यूशन हो गई जिस तरह आजकल के दौर में, और भी ये पेंडेमिक जिस तरह भी एक चल रही है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों में हम कहाँ देख रहे हैं? हम साइंस की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब साइंस की तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि साइंस का पर्पज़ क्या है कि इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाया जाए, ठीक है। अब ये साइंस के अंदर एक डिबेट है कि साइंस इंसान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाई गई थी तो उससे नुकसान क्यों पहुँचाया जा रहा है इंसानियत को ही, ठीक है। ये जो आपके एटम बॉम्ब्स और डिफरेंट जो बॉम्ब्स बनाए गए हैं, जो असलहा बनाया गया है, जो फाइटर जेट्स बनाए गए हैं, ये सब कुछ जो है टैंक्स हैं, ठीक है, मॉडर्न वॉरफेयर जितने भी टेक टूल्स हैं और हथियार हैं, वेपन्स हैं, ये सब चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? ये तो इंसान को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ठीक है। फिर ये एक डिबेट खड़ी होती है कि साइंस का काम तो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाना था, तो ये सारा कुछ कैसे शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो एक डिबेट इस ऐसे के अंदर उसने सिर्फ ये बताया कि साइंस के इस्तेमाल से फ़ायदे क्या क्या हुए, और ये क्यों बताना ज़रूरी है, वो इसलिए कि जिस दौर में ये बंदा लिख रहा है उस दौर में लोगों का साइंस के ऊपर ट्रस्ट अभी डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उस दौर के अंदर साइंस की जो तरक्कियाँ हैं वो पूरी दुनिया के अंदर ना फैली हों, ठीक है, और इस वजह से उसको ये लिखना पड़ रहा हो, और उसने यानी कि ये बिल्कुल उस दौर की बात है जब अभी साइंस की नई इजादात नहीं आई थी, नहीं तो इसमें टेलीविजन का भी जिक्र होता, इसमें रेडियो और ये सारी चीज़ों का जिक्र हो, रेडियो का तो खैर उस वक्त होगा लेकिन जिक्र नहीं है इसमें, ठीक है, और इसी तरह टेलीविजन का जिक्र नहीं है और इंटरनेट वगैरह इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है, वाईफाई का जिक्र नहीं है, ठीक है। तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि ये ऐसे पुराना है। अब जी हम इसको शुरू करते हैं, टेक्स्ट, ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. अब ये जो सारी बातें मैं explain कर रहा था वही सारी उसने एक sentence के अंदर आपके सामने रख दी है, ठीक है, complex sentence है। क्या कहते हैं? कहते हैं हम सब लोगों ने science के इस्तेमाल से
फायदा उठाया, ठीक है, और बहुत ज्यादा फायदा उठाया, ठीक है, इसमें किसी बंदे का कोई शक नहीं है। हम जितने आज दौर में बैठे हैं 21st सेंचुरी के अंदर, हम इस बात को मानते हैं। और किस चीज में फायदा उठाया है? इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सच एज दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ऐसी प्रॉब्लम जिनका ताल्लुक किससे है, अपनी सेहत को बरकरार रखने से, ठीक है, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, प्रिजर्वेशन एंड ऑफ फूड, यानी कि हमने प्रिजर्व कर रहे हैं, हम फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं। और पुराने जमाने के अंदर इसका मतलब ये भी है कि साइंस जब तक नहीं आई थी तब तक हम इन चीज़ों को प्रिजर्व नहीं कर पाते थे, ठीक है, और अब हम इनको प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये भी इसका एक मतलब हो गया। अच्छा, आगे वो कहते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ फूड क्या है? प्रोडक्शन ऑफ फूड यानी कि जो हम फूड पैदा हो रही है हमारे पास, पहले एक लिमिटेड उसकी अमाउंट हुआ करती थी, ठीक है, जब फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं होते थे। अब मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं और कई टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए खुराक के अंदर इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। और आपको भी पता है बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके सामने हैं, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, ठीक है, और थोड़ी जगह के ऊपर ज़्यादा फल जो है लगाए जाते हैं, ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है, कई एक तरीके हैं जिससे जो आप जानते हैं अक्सर उनमें से आपके पास मौजूद है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, और अपने घरों की जो कंस्ट्रक्शन है, तामीर है, उसके अंदर बड़ा डिफरेंस आ गया। पुराने ज़माने में क्या होता था, मट्टी के घर होते थे, ठीक है, और कोई सीमेंटेड घर नहीं होता था। और सीमेंटेड घर से भी अगली अब तो स्टेजेस आ गई हैं कि अब सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं, वो सिर्फ इकट्ठे करते हैं, लगा देते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर बोर्ड्स लगा देते हैं, ये प्लस्तर वगैरह और ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बोर्ड्स लगा देते हैं। और बोर्ड्स का क्या काम होता है कि वो हीट जो है उसको प्रिजर्व रखते हैं, ठीक है, ये फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अभी भी ये अब ये बहुत ही आम प्रैक्टिस है, वो हीट प्रिजर्व करना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है। और हीट प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हीटिंग अपनी इंटरनल लगाई होती है, यानी कि खुद वो हीटिंग कर रहे होते हैं और एक्सपेंसिव है, तो अगर वो उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे हीट को, तो यहाँ सही तरह उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उनका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, इसलिए वो ये करते हैं। उसके अलावा बाहर से ठंड आने को भी रोकते हैं, ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर भी आपको पता है वो ऐसे बोर्ड्स जो हैं वो छतों पे लोग लगवा लेते हैं या सामने वाली दीवारों पे लगवा लेते हैं या अब दीवार बन रही होती है उसके दरमियान रखवा लेते हैं, ठीक है, और उनसे क्या होता है, उनसे हीट जो है बहुत सी रुक जाती है, ठीक है। फिर उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी कितनी इस्तेमाल होती है, आप लेंटर डाल रहे हैं उससे किस तरह उसके स्पीडी प्रोसेसेस हो गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो घर में कैबिनेट्स बनवाते हैं और भी कई इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी कंस्ट्रक्शन के अंदर ही शामिल है चीज़ें, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं। सैनिटरी सिस्टम कितना हमारा इंप्रूव हो चुका है, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये दो फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट की इम्प्रूवमेंट तो आपको पता है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, इंसानियत यानी कि छकड़े और बैलगाड़ियों से शुरू हुए थे और फिर चलते चलते साइकिल, साइकिल से मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, और अब इतनी हैवी मशीनरी है और जो मूव करती है, उसके अलावा एयरप्लेन्स हैं, और कौन सी ट्रांसपोर्ट की मोड है जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी शिप्स भी हमारे पास हैं जो ये सारा कार्गो वगैरह लेके आती हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हमारी चेंज हो चुकी है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन, ये जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कितनी डेवलप हो चुकी है। पहले ज़माने में कम्युनिकेट करने का तरीका क्या होता था कि आप सिर्फ रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है, फिर वायर्स आ गए, टेलीग्राम्स आ गए, और फिर टेलीफोन्स आ गए, ठीक है, और उसके बाद टेलीफोन्स के सोचा भी नहीं था किसी ने कि शायद टेलीविजन, टेलीफोन के दौरान आप तस्वीर भी देख सकेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में था 97 की यानी कि जो एज स्टेज है, उसमें ना एक तलीम व तरबियत मैगज़ीन है, उसमें एक आर्टिकल आया या पता नहीं स्टोरी थी शायद, और वो स्टोरी के अंदर उन्होंने डिस्कस किया था, फ्यूचर को डिस्कस करते थे उस स्टोरी में, ठीक है, तो उस स्टोरी के अंदर उन्होंने डिस्कस किया हुआ था कि टेलीफोन के साथ जो है ना वो तस्वीर भी आ रही है, ठीक है। तो जब हमने वो पढ़ा तो हमने कहा यार पता नहीं होगा कोई 50-100 साल बाद, पता नहीं हमने देखना भी आया कि नहीं, ये हो सकता है बना टेलीफोन के साथ तस्वीर आए। टेलीफोन तब कौन से, वो जहाँ डिरेट्स वाले होते थे, ठीक है, वो PTCL होते थे, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन होते थे लेकिन बहुत बड़े होते थे, यानी कि अच्छे खासे उनका साइज़ काफ़ी होता था मोबाइल फ़ोन का, अगर किसी ने पुराना देखा हो, ठीक है। तो सबसे पहले वाले आए थे वो तकरीबन आप कह सकते हैं वो 1 फुट का मोबाइल फ़ोन होता था और 2 किलो का होता होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद ये छोटे सेट आप लोगों ने तो देखे होंगे सिर्फ बटनों वाले, फिर उसके बाद कलर्ड स्क्रीन आई, कलर्ड स्क्रीन के बाद रिंग टून्स आने शुरू हुई पॉलीफोनिक, पहले मोनोफोनिक होती थी ठीक है सिर्फ टर्न टर्न वाली होती थी, फिर उसके बाद पॉलीफोनिक आ गई यानी कि जिससे म्यूजिक चलने लग पड़ा, फिर उसके बाद सॉन्ग्स सेव होने लग पड़े मेमोरी यानी कि उसमें डेवलप हो गई, फिर उसके बाद जो है ना वो स्टिल कैमराज सिर्फ आए, वीडियो नहीं आई पहले सिर्फ स्टिल कैमराज आए, उसके बाद वीडियो और फिर ये अब आपको सारा पता है कि क्या कुछ इसके अंदर आ चुका है। और अब आप कम्युनिकेशन देखें हम किस तरह कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने इलाकों में बैठे हुए हैं ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कोई एक शहर के अंदर भी हो, कहीं बाहर भी हो सकते हैं, मुल्क के से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट कर दिया ठीक है, और हम ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, और जब रिकॉर्ड करने के बाद पता नहीं कितने लोग इसे सुन सकते हैं ठीक है, जितने आपकी क्लास के हैं उसके अलावा जिन जिन तक वो चैनल आप पहुंचाएंगे वो सब लोग इसको सुन सकते हैं ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन हमारी बड़ी इंप्रूव हो चुकी है। नॉट ओनली आवर वे नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड। अब वो कहता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न वर्ल्ड से मुराद साइंटिफिक वर्ल्ड, ये जो आजकल के हिसाब से मॉडर्न वर्ल्ड है ठीक है, साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर या मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमारी सिर्फ रहन सहन का तरीका ही नहीं बदला बल्कि हमारा सोचने का और समझने का अंदाज भी बदल गया है ठीक है। अब आप ये इसको इमेजिन नहीं कर सकते ठीक है, वो इसलिए नहीं इमेजिन कर सकते क्योंकि आप लोगों ने जो मिलीनियल्स हैं यानी कि 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं तो मिलीनियल्स उनको कहा जाता है ठीक है, तो यानी कि न्यू मिलीनियम के अंदर जो है तो आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द टेक्नोलॉजी हमेशा से देखी है जब से होश संभाला है ठीक है, आपने आउटडोर गेम्स वो वाली नहीं देखी या वो वाली एक्टिविटीज़ नहीं देखी जब इंटरनेट नहीं है, इमेजिन करें लाइफ में आपकी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन निकाल दिया जाए क्या आपकी ज़िंदगी बनेगी ठीक है, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहते ठीक है और करने की ज़रूरत भी नहीं है ठीक है, लेकिन जो हमारा दौर था जिसके अंदर ना मोबाइल और ना इंटरनेट, वो मैंने आपको एक मिसाल दी है कि स्कूल लाइफ के अंदर ये हम ये पॉसिबल ही नहीं था कि सब कुछ होता, और इंटरनेट इतना एक्सपेंसिव था कि कोई उसे अफोर्ड ही नहीं करते थे, आम बंदे नहीं रखते थे ठीक है, सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए होता था, और अगर होता भी था तो लिमिटेड टाइम यानी कि एक घंटा आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी पॉकेट मनी लग गई है उस पर ठीक है, तो फिर वो बंदा ज़रा उसको कंट्रोल से इस्तेमाल करता है, और आप महीने में सिर्फ चार दिन पाँच दिन इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है, 24/7 नहीं कर रहे सिर्फ चार या पाँच दिन ठीक है, और उसके अलावा आप उसे इंटरनेट कनेक्ट कर रहे हैं तो इतनी उसकी वो जो है ना ऑफुल साउंड होती थी, वो टाँ टाँ करके कानों में लगती थी ठीक है, तो वो बड़ा एक अजीब सा प्रोसेस, फिर उसके बाद डिसकनेक्ट बहुत होता था, फिर उसके अलावा आप उससे कोई एक फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो फाइल डाउनलोड होने के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है, इनकी स्पीड स्लो थी, तो उन सारे दौर के अदवार के अंदर जो हमारा लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो हमारा लाइफस्टाइल क्या था कि अब आप लोग किसी दोस्त के पास जाना हो तो आप पहले उसे मैसेज करते हैं ठीक है, और टाइम सेट करते हैं उसके बाद जाते हैं, हमारे दौर में ये नहीं था, हमने किसी दोस्त के पास जाना है तो आप बस साइकिल अपनी निकालेंगे या बाइक्स तो खैर थी लेकिन साइकिल्स आमतौर पर चलती थी, ज़्यादा लोग साइकिल्स इस्तेमाल करते थे, इतनी यानी कि लोग इतना सोचते नहीं थे कि हम इस रख रखाव में पड़े कि हमने बाइक पर ही जाना है ठीक है, साइकिल्स हम इस्तेमाल करते थे। अब साइकिल आपने निकाल ली अपने दोस्त के घर पहुंच जाएंगे और वहां जाके दरवाज़ा खटका के इंतज़ार करेंगे, अगर वो घर वाले बताएंगे उसके कि जी नहीं है घर में तो आप वापस आ जाएंगे ठीक है, और इसमें कोई किसी पे गुस्सा नहीं करेगा कि ये क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ यार, तुमने ये क्यों किया, तुमने ऐसा नहीं होता था। फिर उसके अलावा टाइम हमारा जो होता था कॉलेज का टाइम है फ़र्ज़ करें, तो हम कॉलेज पहुँचे हैं तो सारे कहें चलो यार कल कितने बजे पहुँचेंगे, हाँ जी 8:30 पहुँचेंगे फ़र्ज़ करें ठीक है, तो सारे तकरीबन 8:30 पहुँच जाते थे ठीक है, और जो लेट होता था हम समझ जाते थे कि ये आज नहीं आएगा, यानी कि 5-10 मिनट इंतज़ार करने के बाद समझ जाते थे कि ये आज नहीं आ सकता, तो फिर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी उनको करते थे ठीक है। फिर इसी तरह आपने लाइब्रेरी जाना है तो आपने 5-6 लोगों को बता दिया यार मैं 5 बजे शाम को लाइब्रेरी होऊंगा, और सारे दोस्त पहुँच जाते थे ठीक है, तो लाइफ स्टाइल ये था यानी कि। अब क्या होता है, अब आपने अगर किसी दोस्त के घर जाना है तो आप उसके घर से अपने घर के अंदर बैठे पूछ रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं यार बस बाहर आ मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ ठीक है, और 2 मिनट का मतलब 10 मिनट होता है, और उसके बाद जब आप उसके घर पहुंचते हैं आप घर के बाहर जाके बेल नहीं देते, किसी घर वाले से इंटरेक्ट नहीं करते ठीक है, और क्या करते हैं सीधा उसको मैसेज करते हैं और वो बाहर आ जाता है ठीक है, यानी कि आपके दोस्त के जो बहन भाई हैं बाकी उसके बड़े भाई होंगे छोटे भाई होंगे उनसे वो कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसके अब्बू होंगे उसकी अम्मी कोई इंटरेक्शन नहीं है ठीक है। लेकिन हमारे दौर में क्या होता था कि हमारे पेरेंट्स को पता होता था कि इसके दोस्त जो हैं वो कौन कौन से हैं ठीक है, बल्कि
मेरे जो दोस्त हैं और जो मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, वो हम दोनों के दोस्त बने हुए हैं, यानी कि मैं भी उनके साथ उसी फ्रैंकनेस के लेवल पे हूँ जिस लेवल पे वो है, ठीक है। क्योंकि जब वो घर आते थे, अगर भाई नहीं है तो मैं खड़ा हो गया उनके साथ और फिर गपशप शुरू हो गई। अगर मेरा दोस्त आए हैं और मैं घर में नहीं हूँ तो मेरा भाई उनके खड़ा हो गया, ठीक है, ये हमारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन अब जो मेरा सबसे छोटा भाई है, जो कि मिलेनियल है और यानी कि ये आपकी सेंचुरी का, तो उसका बिल्कुल यही सिस्टम है जो आप सबका है, ठीक है। इसीलिए मुझे पता है कि ये सिस्टम्स आजकल होते हैं कि आप फ़ोन पे मैसेज करते हैं कि बाहर आ रहे हो और वो बाहर चला जाता है और कोई पता नहीं होता इसके दोस्त कौन से हैं, ठीक है, और किसी पेरेंट्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ये एक जो है ना हमारे मसाइल थे, ठीक है, मसाइल नहीं यानी कि डिफरेंस था लाइफ का। तो ये वो पॉइंट आउट कर रहा है कि लाइफ स्टाइल हमारे किस तरह चेंज हो गए हैं, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और उसके अलावा लोग भी बदल गए हैं। लोग किस तरह बदल गए हैं कि हमारे दौर में लड़ाई और झगड़ा या दोस्तों की आपस में जो आर्गुमेंट होता था वो किसी और तरह का होता था, ठीक है, और अब का जो लड़ाई झगड़ा या आर्गुमेंटेशन है वो किसी और तरह की हो गई है। अब लोग सार्कास्टिक हो गए हैं बहुत ज़्यादा, सार्कास्टिक कहते हैं तंजिया, ठीक है, अब लोग तंज बहुत ज़्यादा करते हैं। और तंज बहुत ज़्यादा करने की वजह क्या है कि आप क्योंकि इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस इस्तेमाल कर रहे हैं या फेसबुक के स्टेटस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो है ना, आपने अपने दोस्त को या किसी और को बात कहनी है तो आप डायरेक्टली कह नहीं सकते, और इसीलिए फिर आप क्या करते हैं, आप तंज का सहारा लेते हैं, ठीक है, और उसकी लपेट में बहुत से लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। और तंज का सहारा लेने की वजह से मामला सोसाइटी जो है ना वो बड़ी सार्कास्टिक हो चुकी है, अब सोसाइटी सारी तंजिया हो चुकी है। अब आपके कोई अगर कोई बंदा आपको कुछ कह दे, आपका कोई दोस्त या कोई दोस्त ना भी हो, कोई क्लास फेलो हो सिर्फ या कोई कॉलेज फेलो है, कोई बात कहता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, ठीक है, हम उसको जब तक जवाब ना दे लें हमारे अंदर जो है ना एक लावा पकता रहता है, ठीक है। ये क्यों हमारे अंदर इस तरह हो गया, हम सार्कास्टिक हो गए, फिर हम उसको सार्कास्टिक अंदाज में, तंजिया अंदाज में उसको जवाब देंगे, कड़वे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो सोशल मीडिया ने हमारे हाथ में असल में दे दिया है, ये हर बंदा राइटर बन चुका है, मतलब इसका मतलब ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हर बंदे को अल्फाज इस्तेमाल करने नहीं आते, अल्फाज इस्तेमाल करने की एक ट्रेनिंग होती है, ठीक है, राइटर्स को पता होता है अल्फाज किस तरह इस्तेमाल करने हैं। फिर आपको टीचर्स, अब ये हम आपको जब सिखा रहे होते हैं कि आप ये इस तरह इस सवाल का जवाब इस तरह लिखें, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, आपको अल्फाज इस्तेमाल करना सिखाए जा रहे होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हर बंदा कीबोर्ड वॉरियर है, हर बंदे के हाथ में कीबोर्ड है और हर बंदे के पास एक स्टेटस है जो वो अपलोड कर सकता है, तो वो क्या करता है, वो अल्फाज को जिस तरह उसका दिल करता है इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इसीलिए वो तहजीब और जो तमीज़ जिसे हम कहते हैं वो सारी ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। और फेसबुक के ऊपर भी कभी अगर आपकी कोई ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर आपका डिसएग्रीमेंट है, तो स्टूडेंट्स टीचर से इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे वो उनका कोई अपना क्लास फेलो है, ठीक है, इस तरह यानी कि बात कर रहे होते हैं, सामने नहीं ऐसे करते लेकिन फेसबुक पे ऐसे कर रहे होते हैं या सोशल मीडिया पे ऐसे कर रहे थे, क्यों वो इस वजह, उसकी वजह ये है कि आप जब सामने नहीं होते किसी के तो वो ये समझ लेते हैं, अपने आप को खुद ही ये इख्तियार दे देता है इंसान कि मैं जो मर्जी करूँ कोई मसला नहीं है, कौन सा किसी ने मुझे कुछ कह लेना है, ठीक है। तो ये एक जो मामला है हमारी ज़िंदगी के अंदर, थिंकिंग के अंदर ये एक आ गया, ठीक है, ये एक नेगेटिव बात थी। पॉजिटिव बात क्या है, पॉजिटिव बात ये है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक ये मामला आ गया, पॉजिटिव मामला जो आया वो ये है कि आप जब भी कोई बात आप सोचते हैं या करते हैं, आप कहते हैं यार इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, आप उसकी लॉजिक तलाश करते हैं, ठीक है। नंबर टू, आप उसका साइंटिफिक सोल्यूशन देखते हैं कि साइंटिफिकली मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकता हूँ, ठीक है, और आप बहुत दफ़ा उस प्रॉब्लम को हल कर भी लेते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा पॉजिटिविटी क्या आई है कि लोग जो है ना अपने टाइम की कदर थोड़ी सी ज़्यादा और तरह करने लग पड़े हैं, ठीक है, यानी कि आप टाइम वेस्ट नहीं करते हम इस तरह कि किसी के इंतज़ार में सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, हम उससे पूछ लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा और उस दौरान हम कोई और काम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह कई चीज़ें हैं जिनके अंदर इंसान जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आ चुकी है हम सब के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं, टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स व्हिच यूज्ड टू बी कंसीडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। अब कहता है कि हम उन हैपनिंग्स को जो कि नेचुरली नेचुरल फिनोमेना जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, हम उनको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा महारत रखते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। बच्चे बच्चे को पता है सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है, सूरज ग्रहण क्यों लगा है, सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि भाई किस तरह सन की रोटेशन और दरमियान में कोई प्लैनेट आता है या सन दरमियान में अगर मून आ जाए तो फिर किस तरह सूरज ग्रहण लग जाता है और भी कई इस तरह की
फिनोमिना है जो सारे बच्चों को पता है, आप ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, और उसकी वजह क्या है, साइंस वो बचपन से पढ़ रहे हैं। ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल देन आवर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स वर। अब कहता है कि अगरचे अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, यानी कि साइंस तो तरक्की करती जा रही है, इम्प्रूवमेंट्स आती जा रही हैं, लेकिन लोग कम खौफजदा हो गए हैं, ठीक है, अब लोग खौफजदा नहीं होते क्योंकि लोगों को लगता है कि वो साइंटिफिकली उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा घबराते थे, ठीक है। अब आपके अगर सर में दर्द होती है या कोई और प्रॉब्लम होता है, आप यानी कि मेडिकल एड की ज़रूरत है, आप घबराते नहीं हैं, ठीक है, आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पता है कि आपके टेस्ट होंगे, स्क्रीनिंग होगी, सारा पता लग जाएगा कि इस बंदे को क्या इशू था और क्या नहीं था, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में सिर्फ अंदाज़ा होता था कि इस बंदे के साथ क्या इशू है, और अगर वो उसका इलाज ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर आपको पता है डेथ हो जाती थी। तो इसलिए ये एक तो वजह ही है। दूसरा, हमारे जो नेचुरल फिनोमेना है हम उनको समझते हैं, यानी कि सैलाब आने से पहले पता लग जाता है कि सैलाब आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप पीछे मेजरमेंट लगाए होते हैं, मीटर्स लगाए होते हैं, मेजरमेंट हो रही होती है, ठीक है, और आपको पता लग जाता है। तो अब हम वो फियर नहीं हमें होता, हम पहले ही उससे पहले मूव कर जाते हैं, ठीक है। और भी कई इस तरह की चीज़ें हैं। वी आर मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग देन आवर एंसेस्टर्स, और हमारे जो आबाउजदाद थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हम उनसे ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं अपने थिंकिंग में। क्रिटिकल से मुराद क्या है, हम ज़्यादा सोचते हैं, हम ज़्यादा गहराई में जाकर सोचते हैं, लॉजिक को सोचते हैं, ठीक है, और हम तनकीदी अंदाज से सोचते हैं कि जो भी बंदा बात कर रहा है इसकी बात में लॉजिक है या नहीं है, ठीक है। अगर लॉजिक हमें मिलती है तो फिर हम उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, लॉजिक नहीं मिलती तो हम उसकी बात को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये मीटिंग का टाइम हमारा बस ख़त्म होने वाला है, और